दोस्तों सभी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए मित्रों को नमस्कार। और हम हिमाचल यात्रा पे हैं लगभग पिछले 5 दिन से। और यहाँ हमारे मित्र हैं हिमाचल के लोकल अमित भाई साहब। और यहाँ आ जाए हम कांगड़ा के जंगलों में, तो कांगड़ा के जंगलों में यहाँ पर केवल एक मास्टर रास्ता बचता अपने पास, गूगल मैप। उसके द्वारा आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर कोई दिशा का अनुमान नहीं लगा सकता, कोई यहाँ पर पूर्व पश्चिम या रास्ते किधर हैं, गाँव किधर है, कुछ अता पता नहीं। यहाँ पर पूरा सुनसान एरिया है। और बताते हैं कि भालू और कुछ जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। तो अभी कुछ जानवर हमने थोड़ा बहुत देखे थे, नाम हमें भी नहीं पता, मगर हम अपनी जान बचा के निकले मुश्किल से। ये देखो इनको सांस चढ़े हुए हैं, मुझे भी थोड़े थोड़े, ये सोनू भाई को थोड़े ज़्यादा ही सांस चढ़े हैं। और ये भी थोड़े घाटे दिखाएंगे। ये वो कांगड़ा का जंगल है जहाँ पर 1-2 साल पहले बाढ़ आई थी और जहाँ पर स्कूल घर काफ़ी बह गए थे। तो ये घाटी देखो कितनी गहरी हो चुकी है उस पानी की वजह से। ये देखो हम इस जगह पे हैं, कुछ आइडिया लग रहा कितना फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, शायद इसमें देख पाए होंगे। तो यहाँ पे यहाँ से जो कांगड़ा सिटी है वो देखो 76 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता इस जंगल में आने के लिए। कांगड़ा से 2.5 घंटे लगते हैं, कांगड़ा जो शहर है उससे। तो अब आप खुद ही अनुमान लगा लो, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा सुनसान जंगल। केवल इस गूगल मैप के सहारे हम अपना यात्रा को सफल बना रहे हैं। और जी अब हाँ, इससे बाहर अब निकलने के दिखाओ लिए, थोड़ा सा अब ऊपर देखो करके, लाइट साइड रिफ्लेक्शन आ रहा था यहाँ से लगभग थोड़ा और खड़ी करो। ये 3 या 4 किलोमीटर के आसपास ये घर यहाँ से दिखाई देंगे आपको। ये कितना सुनसान जंगल आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर एक कच्चा रास्ता जाता है मगर अंडर कंस्ट्रक्टेड है। हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, गाड़ी हमने यहाँ से 2-3 किलोमीटर खड़ी की थी। तो ये गूगल मैप के सहारे हम इसमें घूम रहे हैं। यहाँ हमें ना ये पता पूर्व का किस साइड है, उत्तर किस साइड, दक्षिण किस साइड है। केवल यात्राओं का अनुमान, हम गूगल मैप से निकल के इस जंगल से बाहर निकलेंगे। और उधर से एक जंगल से एक आदमी भी आ गए, दिखा दो भाई साहब को। थोड़ा सा यहाँ के लोकल आदमी हैं, जंगलों में रह सकते हैं। खैर हमें तो यहाँ अजीब सा लग रहा पूरा माहौल। ये पेड़ चीड़ के वृक्ष हैं यहाँ पर, 200-250 फुट ऊंचे, लगभग 150 से ऊपर ही है सब वृक्ष। और ये भाई जी आए हैं इधर से। भाई जी ये रास्ता इधर किधर जाता, आगे किधर भाई जाता है रास्ता, ये गांव को चले गए। हाँ गांव आगे जी, थोड़ा कितनी दूर पड़ेगा, नेड़े हैं। नेड़े है, हाँ जी, चलो ठीक है, धन्यवाद जी। गांव दिखे जाना, आगे जाना अभी जंगल में जाना, मैं तो पूरा है। जंगल में ही जाना है। अच्छा, मेरे दोस्त है ना, लोग कल आएगा। हाँ जी, आ जाइए। ये ठीक है, पूरा जंगल फॉरेस्ट है। तो यहाँ इस जंगल में हम आएंगे, आते ये हैं आगे तो दिखा है जंगल से, आगे आगे काफी दूर तक है जंगल, है ना। आगे सीधा है ना, सीधा दिखा जंगल। ठीक है जी। ये सारा ही है, ये वो गांव दिख, फिर उससे आगे भी जंगल ही लगा। फिर ठीक है। ये था मुकिया मुकना जाए करना है, काफी दूर है। ठीक है, हाँ जी, चलो हम घूमते हैं इसमें। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है धन्यवाद। साहब।